गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। अलंकार, अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है, अलंकार क्या होता है? तो अलंकार शब्द अलंधंकार दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलंग का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो वह अलंकार होता है। जिस प्रकार से आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, यानी कि काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जो 9th के कोर्स में शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में आपके आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिसंयुक्त, अनियुक्त, भ्रांतमान, संदेह अलंकार, जो आपके आगे कोर्स में है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को सिर्फ शब्द अलंकार पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। शब्द अलंकार जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जब अर्थ में चमत्कार होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्त एक से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे डिफिनेशन है जहां पर एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और दूसरी लाइन में ला वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो हमारी डिफिनेशन में यही बोला गया, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द बार बार आता है किंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है वहां यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल है कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाए वा खाए बौराए जगु या पाए बौराए। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इस तरह स्पष्टीकरण में बताया है कि यहाँ कनक शब्द जो है वह दो बार आया है किंतु उसके अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करे, यानी कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ पर सुबरन शब्द एक बार आया है किंतु इसके अर्थ तीन निकल रहे हैं। सुबरन माने होता है अच्छे वर्ण और सुंदर रूप रंग, और तीसरा अर्थ होता है सोना, यानी कि सुबरन शब्द एक बार आया है परंतु इसके अर्थ जो हैं वे तीन हैं। और कभी व्यभिचारी चोर, कभी के पक्ष में अच्छे वर्ण यानी शब्द चाहिए, व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर रूप रंग और चोर को सोना। समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।